संस्कृत की कविता प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत में इस बार हमारे कवि हैं डॉक्टर बलराम शुक्ल। डॉक्टर बलराम शुक्ल ये दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनके दो संस्कृत काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा आप युवा संस्कृत विद्वान के रूप में बादरायण व्यास सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। और एक अद्भुत बात, संस्कृत के अतिरिक्त डॉक्टर बलराम शुक्ल का फारसी कविता और भाषांतरण में भी दखल है। आप ईरान में आयोजित विश्व कविता सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो संस्कृत और फारसी के सिवा कवि को स्नेह दीजिए, डॉक्टर बलराम शुक्ल। मेरी कविता का शीर्षक है त्रिचक्रिका चालक काव्यम। त्रिचक्रिका चालक सुंदर स्मितम दिनेपि सेन्दु कृत सच्चतुष्पथम अमासमे हर्म्यतले घदूषिते शताट्टहासान धनि नाम दोर्हति ब्रवीमिते घर्म जलैश्च दुर्दिनी। अघेश्वराणां दुरुदर्क दुर्भगात् धनेन धन्वीकृत जीवनादिदं मुखं वली पंक्ति सुशोभिभालकं परिस्रवत् घर्म जलाविलाकृति तमालगंधि प्रकटं मलीमसं मयेष्यते ते परिचुम्ब्यतामिति। चतुष्पथे प्रस्तरितैरथाक्षिभिः प्रतीक्षमाणैः परितः पदातये विसृज्यमाना वदनेषु शून्यता हृदस्मदीयं ज्वलयत्यहर्निशं स्फुटच्छिरं बद्धशरीरमारुतं यदोच्च भूमिं प्रसभं विकर्षसि स्वकीययानं व्ययिताखिलोर्जया मनोमदीयं सकलं विलीयते त्वयोह्यमानो विपथे विसंष्ठुले स्वनायकानामिव तन्तुरान्तरे विचारयेऽहं तव दुःखदुःखितः त्वमाश्वयानेऽथवहाम्यतः परम् सलज्ज चित्तोऽस्म्यपराध बोधतो मनुष्यतात्रास्ति कथं प्रदर्शिता कथं च कश्चित् स्थितिमान् सदासने तथा परः कर्षति यन्त्रवद्भुवि। त्रिचक्रिका चालक सुन्दरस्मितम् दिनेऽपि सेन्दुकृत सच्चतुष्पथम्। संस्कृत में इस मधुर काव्य पाठ के बाद उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत होगा, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर बलदेवानंद सागर। 41 वर्षों तक आकाशवाणी में और 21 वर्षों तक दूरदर्शन में संस्कृत समाचारों के सरण का आपने कार्य किया है। अनेक संस्कृत नाटकों का लेखन मंचन निर्देशन और आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए प्रसारण। आपने कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और इस समय आप भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर बलदेवानंद सागर प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत कविता का हिंदी अनुवाद। त्रिचक्रिका चालक काव्यम, इस कविता का मैं हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। भली सी हंसी इस रिक्शा चालक की, भली सी हंसी इस रिक्शा चालक की, दिन में भी चौराहे पर लगे चांदनी सी, अटारियों के धनिकों का अट्टहास, करता निछावर में इस पर खास, पसीना बहाकर हे कर्मवीर बनाया जीवन सावन का नीर, दुर्भागी धनी जीवन क्या जीवन, बेहतर है तेरा श्रम सूच जीवन, भाल तेरा भरा है झुर्रियों से, भाल तेरा भरा है झुर्रियों से, स्वेद मलिन और मैला कुचेला, क्यों न चूम लू चालक ये मुख, क्यों न चूम लू चालक ये मुख, और पाऊं इस लोक का सुख, टकटकी लगाकर चौराहे पर, टकटकी लगाकर चौराहे पर, सवारियों की बाट जोहते पल पल, आँखों में फैला सूनापन तुम्हारा, आँखों में फैला सूनापन तुम्हारा, दिल जलाता दिन रात हमारा, एड़ी चोटी की ताकत लगाकर चढ़ाई पर खींचते हो जब रिक्शायान, नसों को फोड़ रुकता श्वास तुम्हारा, देख कर दिल डूबने लगता हमारा, नेत्रीगण के कुटिल से हृदय समान,
रास्तों पर खींचते हो अपना यान, रास्तों पर खींचते हो अपना यान, सोचता हूँ काश तुम बैठ जाते, सोचता हूँ काश तुम बैठ जाते और खींचता मैं यह रिक्शा यान। अंतिम पद्य, लज्जित हूँ मैं अपराध बोध से, लज्जित हूँ मैं अपराध बोध से, मानवता हुई है कितनी धर्षित, मानवता हुई है कितनी धर्षित, खींचता रिक्शा पेट भरने को कोई, कोई बैठा उस पर होता है हर्षित, कोई उस पर बैठा होता है हर्षित, भली सी हंसी इस रिक्शा चालक की, दिन में भी चौराहे पर लगे चांदनी सी, अटारियों के धनिकों का अट्टहास, करता निछावर में इस पे खास।